कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। ये बहुत अपने आप में परफेक्ट बात कही गई है। अगर मुझे जीतना है ना, तो मुझे अपने आप से बहाना नहीं बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं थी तो मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया तो मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मेरा तबीयत खराब है तो पढ़ाई नहीं की। ठीक है, एक SSC के ऑल इंडिया रैंकर की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। ठीक है, समय था 2015 का, और 2015 में एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले की आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जो एस्पिरेंट है राइट नाउ, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, बगदाद में पोस्टेड है वो। ठीक है, 2015 के समय पेपर के 5 दिन पहले मेंस की बात कर रहा हूँ, 102 डिग्री फीवर, और 102 डिग्री फीवर होने के बावजूद घर वाले कह रहे बेटा बैठ जा, बेटा थम जा, मत कर, किताबों को छोड़ दे, मर जाएगा। ठीक है, उसकी एक ही लाइन थी, बस उस लाइन को सुनना कि पढ़ने के वजह से आज तक इतिहास में कभी कोई मरा नहीं है और कभी कोई मर नहीं सकता, लेकिन अगर ना पढ़ा ना मैं तो शायद मैं मर जाऊंगा। पेपर के 5 दिन बचे हैं, फीवर है 102, और उस फीवर में भी बंदा बस एक ही बात की उसकी जिद है कि यार अभी पढ़ लेता हूं, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद तो पूरी जिंदगी आराम। उस फीवर में अपने आप को तोड़ मड़ोर के पूरा का पूरा अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज किया, और आज उनका ऑल इंडिया रैंक 6 है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में वो पोस्टेड है। आज जब उनके आप स्टेटस देखोगे, जब उनको फ्लाइट में घूमते देखोगे, जब आप अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्री के एम्बेसी के हेड से मिलते देखोगे, तो आपको खुद फीलिंग आएगी यार जिंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन उस वक्त को उन्होंने बनाया, उन्होंने इस आलस को छोड़ा मेरे भाई, उन्होंने इस आलस को छोड़ा, उन्होंने बहानों को छोड़ा। उनके पास भी बहाने थे लेकिन उन्होंने बहाना याद नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बहाना को प्रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन में जो उनका गोल था, जो उनका एम था, उन्होंने उसको प्रेफरेंस दी और उस पर वो आगे बढ़े। अपने उसूलों को उन्होंने काफी ज्यादा महत्व दिया, उस पर वो डे एंड नाइट काम करते चले गए। उनको पता था कि पढ़ना ही पढ़ना है, जीवन में और कोई काम है नहीं, कोई बाप दादा का बिजनेस है नहीं कि जाके संभालेंगे, नहीं पढ़ा तो जिंदगी खत्म है मेरी। आप भी अपने अंदर एक आग लगा दो आज से कि कुछ भी हो जाए बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और बाकी चीजों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे इरेलीवेंट काम है उनको हम खत्म करेंगे, जो मेरी जरूरत की चीजें नहीं उनको हम खत्म करेंगे। फोन में व्हाट्सएप नहीं चलाना, फोन में कोई सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं रहना, अभी खुद की कोई औकात नहीं है। जिस दिन औकात होगा उस दिन स्टेटस लगाएंगे, जिस दिन औकात होगा उस दिन दुनिया को दिखाएंगे हम है क्या और हमारा स्टेटस है क्या, अभी कोई वैल्यू नहीं। तो शांति से कायदे से बैठ के अपनी पढ़ाई करनी, बेफिजुल दोस्तों से मिलना बंद, बेफिजुल टाइम पास बंद, अपना शांति से बैठेंगे कमरे में, शेड्यूल बनाएंगे, अपने टेबल के सामने चिपकाएंगे, आज जो कैलेंडर आया उस कैलेंडर के प्रिंट आउट निकालो, जाके चिपकाओ और देखो कितने दिन हैं, डेली के एक दिन काटो, देखो आपका वक्त बीतता चला जाएगा और उसमें आप पूरी की पूरी जान लगा दो, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है।